कुछ समय पहले की बात है, रामपुर नाम के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह तरह तरह के पापड़ बनाकर बेचता था। रमेश का स्वभाव बहुत ही मददगार और अच्छा था। उस गांव में कोई पापड़ वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में रमेश का व्यापार बढ़ने लगा और कुछ दिनों बाद उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहां से वह पापड़ बेचने लगा। रोज की तरह रमेश अपनी दुकान में पापड़ बेच रहा था जब वहां पर एक विकास नाम का व्यक्ति आया। एक पापड़ का पैकेट कितने का है? एक पैकेट 10 रुपए का है। बेटा ठीक है, मुझे एक पैकेट आलू पापड़ का चाहिए। रमेश ने एक आलू पापड़ का पैकेट उसे दिया। विकास ने रमेश को 20 रुपए दिए और रमेश ने 20 रुपए अपने गले में रखे और रमेश ने विकास को 10 रुपए वापस किए। विकास ने देखा रमेश का गल्ला पैसों से भरा है। रमेश के गले में बहुत पैसे है, किसी तरह मुझे उस गल्ले में से पैसे निकालने होंगे, लेकिन कैसे? विकास ने सोचा कि मैं रमेश से पानी मांगता हूँ। रमेश गल्ला खुला छोड़कर विकास के लिए पानी लेने गया। रमेश के आने से पहले मुझे उस गल्ले में से पैसे निकालने होंगे। जैसे ही विकास ने गल्ले की तरफ हाथ बढ़ाया तभी रमेश वापस आ गया। तुम मेरे गल्ले में से पैसे क्यों निकाल रहे हो? विकास कुछ देर तक उन दोनों में बहस चली और रमेश ने कहा पंचायत तय करेगी कि यह पैसे किसके हैं। अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि यह मेरे पैसे हैं। विकास अभी छोटा है और अगर पूरी पंचायत के सामने गलत साबित हुआ तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वह अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है यह पैसे तुम्हारे हैं तो तुम रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। विकास यह सुनकर बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। वह घर पहुंचकर उन पैसों को गिनने लगे। रमेश पापड़ बेचकर बहुत पैसे कमाता है। तभी उसने अपने पैसे मुझे दे दिए, मैं भी पापड़ बनाकर बेचूंगा। अपने पैसों में रमेश से चुराए हुए पैसे जोड़कर उसने नई सामग्री ली और पापड़ बनाने शुरू किए। रमेश की दुकान के ठीक सामने विकास ने अपनी दुकान लगाई। पापड़ ले लो, पापड़ ले लो। रमेश ने देखा कि इसने मेरे पैसे से अपनी दुकान मेरी दुकान के ठीक सामने लगाई है, लेकिन फिर भी जो रमेश के ग्राहक थे वह उसी से पापड़ लेते थे, ना कि विकास से, क्योंकि विकास एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से पापड़ नहीं ले रहे थे और इसके चलते पापड़ रखे रखे खराब होने लगे। विकास बहुत दुखी हो गया था। मेरे बनाए हुए पापड़ खराब हो रहे हैं, इन्हें कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और विकास का व्यापार बंद हो गया। विकास के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह दुख में सारा दिन दुकान पर ही बैठा रहता था। रमेश यह सब देख रहा था। रमेश से विकास का दुख देखा नहीं गया और वह उसकी दुकान पर गया। विकास ने रमेश को देखकर भी अनदेखा किया। विकास तुम क्यों दुखी हो? तुम पापड़ की पन्नियां बदल क्यों नहीं रहे हो? विकास ने रमेश को पूरी बात बताई। विकास चिंता मत करो, इस बार जैसा मैं बताऊंगा तुम वैसे ही पापड़ बनाना। मैं तुम्हें पापड़ की सामग्री खरीदने के लिए पैसे भी दूंगा और जब तुम्हारा व्यापार चलने लगेगा तो तुम मेरे पैसे वापस लौटा देना। मैंने आपके पैसे चुराए, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं ऐसा बर्ताव दोबारा फिर कभी नहीं करूंगा। जैसा रमेश ने बताया विकास ने वैसा ही किया और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। विकास ने रमेश के सारे पैसे वापस लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करने लगा विकास। आपकी अच्छाई के कारण आज मैं अच्छे से व्यापार कर पा रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद करूँगा और आसपास के गांव में भी पापड़ प्रसिद्ध कर दूंगा। रमेश ने विकास की बात मानी
और पापड़ आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हुए। इससे उन दोनों को बहुत फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे।